RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया वेन डायग्राम का ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है ये देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं ए व्हेल बी शिप एंड सी ओशियन तो इनमें से कौन सा वेन डायग्राम इन एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करेगा आइए देखते हैं व्हेल एंड शिप ये दोनों इंडिविजुअल बॉडीज है ये दोनों आपस में कहीं से कनेक्टेड नहीं है बट जो थर्ड नंबर का एलिमेंट है दैट इज ओशियन ये इन दोनों को ऑक्युपाई करता है तो इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा क्योंकि आपके ओशियन के अंदर ही आपकी वेल रहती है ओशियन के अंदर ही शिप चलती है तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरपीएफ 2019 में पूछा गया मिसिंग नंबर का ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है सेवन अलेवन ट्वेंटी एंड क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क के प्लेस में इनमें से कौन सा नंबर आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं सेवन से जब हम अलेवन जा रहे हैं तो प्लस का फोर कर रहे हैं अलेवन से जब हम ट्वेंटी जा रहे हैं तो प्लस का नाइन कर रहे हैं तो ट्वेंटी सेवन प्लस फोर किया सेवन प्लस टू का स्क्वायर ही तो है सेम एज एलेवन प्लस थ्री का स्क्वायर है तो जो ट्वेंटी प्लस

फर्दर एड करें तो हमें मिल जाएगा सिक्स तो जो नया नंबर बन रहा है वो बन रहा है टू फोर सिक्स जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज़ थ्री का मल्टीप्लाई किया सेवन में तो यहाँ से हमें मिला ट्वेंटी वन फर्दर एडिशन तो यहाँ से हमें मिल गया थ्री तो जो नया नंबर बना वो बना टू वन थ्री जो कि है आपका ये वाला नंबर सेम इस पर भी अप्लाई हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाइड बाई फाइव यहाँ से हमें मिला फिफ्टीन इन दोनों का एडिशन किया तो मिला सिक्स यहाँ से जो नया नंबर बनेगा वो बनेगा वन फाइव सिक्स तो ऑप्शन नंबर बी वन फाइव सिक्स विल बी right द राइट आंसर आर आरबी एन टीपीसी दो हजार इक्कीस में पूछा गया मिसिंग नंबर का ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है थर्टी सिक्स फिफ्टी एट ट्वेंटी वन ऐसे रिलेट कर रहे हैं जो हमें दे रहे हैं ट्वेंटी थ्री फोर्टी वन थर्टी नाइन ट्वेंटी हमें दे रहा है ट्वेंटी थर्टी नाइन फिफ्टी टू थर्टी फोर क्या देगा ये हमसे पूछ रहा है आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं थर्टी सिक्स प्लस फिफ्टी एट प्लस ट्वेंटी वन अगर हम करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है एट सिक्स फोर्टीन एंड वन फिफ्टीन कैरी वन फाइव थ्री एट टू टेन एंड वन डिवाइड कर दें अगर हम फाइव से तो यहाँ से हमें मिल जाएगा फाइव टू या टेन एंड वन फाइव थ्री जा फिफ्टीन यहाँ से हमें मिल गया ये वाला नंबर सेम हम इस पर भी अप्लाई करते हैं थर्टी नाइन प्लस फिफ्टी टू प्लस थर्टी फोर यहाँ से हमें मिलेगा नाइन और सिक्स फिफ्टीन कैरी वन फाइव थ्री एट थ्री एलेवन एंड वन टन ट्वेंटी फाइव को जब हम फाइव से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बी विल द राइट आंसर का ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था स्किन इज टू हेयर डबल इज टू लैंड इज टू क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं स्किन जैसे रिलेट कर रही है हेयर से सेम वैसे ही लैंड रिलेट करेगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आने वाले वर्ड से अब इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में से कौन सा वर्ड आ सकता है और ये लैंड के नीचे होता है डस्ट लैंड के नीचे होता है मिनरल लैंड के नीचे होता है बट जो ग्रास है हमारी ये लैंड के ऊपर ग्रो करती है सेम है जैसे स्किन के ऊपर हेयर की ग्रोथ होती है वैसे ही लैंड के ऊपर ग्रास की ग्रोथ होती है तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड ग्रास विल बी द राइट आंसर वेन आरिख का बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आर्ख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है घंटी पानी एंड पीतल तो घंटी का पानी से तो कोई रिलेशन नहीं बट पीतल के साथ रिलेशन होता है क्योंकि घंटी जो होती है वो आपके पीतल की होती है तो पानी आपका अलग बन जाएगा और घंटी पीतल की होती है तो पीतल और उसमें घंटी तो पीतल है आपका सी एंड अंदर आपका ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा एनालॉगी का बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है ए अपॉन जेड इज टू ट्वेंटी फाइव डबल इज टू सी अपॉन टी इज टू क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं ए और जेड Z की पोजीशन अल्फाबेट में होती है 26 एंड ए की होती है 1 सब्स कर दें यहाँ से हमें मिल जाएगा 25 जो कि है आपका ये वाला नंबर सेम हम इसमें भी करेंगे C अपॉन T T की पोजीशन होती है ट्वेंटी एंड C की होती है थर्ड सब्सट्रैक कर दें यहाँ से हमें मिल जाएगा 17 ऑप्शन नंबर ए सेवेंटीन विल बी द राइट आंसर नंबर एनालॉगी का बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी वन ट्वेंटी कैसे सॉल्व करते हैं वन ट्वेंटी एट देखने से जो हमें लग रहा है वो ये लग रहा है कि वन ट्वेंटी तो कुछ नहीं बट वन ट्वेंटी वन जो होता है वो होता है आपका एलेवन का स्क्वायर 168 नहीं बट 169 हमारा होता है 13 का स्क्वायर एंड 288, 288 तो नहीं बट 289 होता है हमारा 17 का स्क्वायर तो अगर हम 11 का स्क्वायर करके माइनस वन कर दें तो हमें मिल जाएगा 120 13 थर्टीन का स्क्वायर करके माइनस वन कर दें तो हमें मिल जाएगा 168, 17 के वन सिक्सटी एट सेवनटीन का स्क्वायर करके माइनस वन करते हैं तो हमें मिलता है टू एट्टी एट तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हमें मिलेगा 19 का स्क्वायर माइनस वन नाइनटीन का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है थ्री सिक्सटी वन माइनस का वन किया तो यहां से हमें मिल गया थ्री सिक्सटी ऑप्शन नंबर डी थ्री सिक्सटी विल बी द राइट आंसर एल्फाबेटिकल सीरीज का बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करता है आई देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के प्लेस पे जो अल्फाबेट का पैटर्न आएगा वो आएगा आपका क्यू आई क्योंकि ऑप्शन में क्यू आई ही अवेलेबल है बट यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे फाइव फिर फोर फिर सिक्स फिर थ्री कोई फिक्स हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि फाइव के बाद फोर पहले इन डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे अगर हम फाइव प्लस वन करें तो हमें सिक्स मिल रहा है और फोर माइनस वन करें तो हमें मिल रहा है थ्री तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो सिक्स में प्लस वन करने पर मिलेगा दैट इज़ सेवन तो इस प्लेस पर जो नंबर होगा वो होगा सेवन तो ऑप्शन नंबर बी क्यू आई सेवन एनालॉजी का बहुत ही बढ़िया mark. सा आएगा? पूछा जा रहा है. देखते है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं टू फाइव सेवन को देखते ही जो पहला माइंड में आती है बात वो ये आती है कि ये तीनों तो प्राइम नंबर है टू भी प्राइम नंबर है टू के बाद थ्री आता है फाइव सेवन नाइन एंड अलेवन टू के बाद फाइव आई यानी कि थ्री जंप कर गया फिर सेवन के बाद नाइन जंप करेंगे तो अलेवन पे आएंगे ऑप्शन में अवेलेबल है ऑप्शन नंबर डी अलेवन विल बी द राइट आंसर